सहोदर सहोदरियरे, 50 इयर्स पहले, 50 साल पहले कांग्रेस ने देश से गरीबी हटाने की सबसे बड़ी गारंटी दी थी। पूरा चुनाव एक ही गारंटी पर लड़ी थी कांग्रेस, गरीबी हटाने। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड 50 साल से चल रहा है उनका। भाइयों बहनों, आपने आपके इस बेटे को दिल्ली में बिठाया, गरीबी क्या होती है वो मैं जी करके आया हूं। ये आपका बेटा समझता है कि गरीबी जात पात पंथ कुछ नहीं देखती, इसलिए हम गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं, गरीब को सशक्त कर रहे हैं, वंचितों को वरीयता दे रहे हैं, किसी भी गरीब को भूखे पेट सोना न पड़े इसलिए हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, किसी गरीब को इलाज के लिए कर्ज ना लेना पड़े इसलिए हम 5 लाख रुपीज तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना चला रहे हैं, किसी गरीब को बेघरों की तरह फुटपाथ पर या झुग्गी झोपड़ी में ना रहना पड़े इसलिए पीएम आवास के घर बनाकर उन्हें पक्का घर दे रहे, और ये घर भी सिर्फ ईंट पत्थर से जोड़ी गई दीवारों का ढांचा नहीं है, इन घर में टॉयलेट है, नल से जल आता है, उज्ज्वला का एलपीजी गैस कनेक्शन होता है, उजाला का बल्ब बिजली का जगमगाता है, ये सब इस घर के साथ आता है। इन सुविधाओं के लिए भी एससी एसटी ओबीसी समाज के साथियों को कांग्रेस सरकार में रिश्वत लेनी पड़ती थी, कमीशन देना पड़ता था। आज बीजेपी सरकार खुद सभी लाभार्थियों के पास जा रही है, हम हर एक लाभार्थी तक पहुंच रहे हैं ताकि कोई छूटे नहीं, कोई वंचित ना रहे। और मैं तो साफ मानता हूं, गरीब का कल्याण यही सच्चा सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है, यही तो असली सेक्युलरिज्म है। क्योंकि गरीबी न पंथ देखती है, न जाति देखती है, न गांव देखती है, न शहर देखती है, और इसलिए गरीब का कल्याण का काम लाभार्थी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, सबका साथ सबका विकास यही मंत्र आगे बढ़ता है।